नमस्कार, मैं सुबोध कुमार सिंह एक बार फिर से आप सबों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं एक बिल्कुल नए चैप्टर के साथ आप सबों के समक्ष उपस्थित हूं। बड़ा चैप्टर भी है, चैप्टर का नाम आप लोग देख पा रहे होंगे, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। इसके बारे में हम लोग को जानना है। हालांकि राष्ट्रीय आय से संबंधित कई वीडियो आप लोग को मिलेंगे, मैं खुद वीडियो बना करके यूट्यूब पर अपलोड करूँगा और तकरीबन हमको लगता है कि इसमें 7-8 वीडियो आना चाहिए। हालांकि 40% जो सिलेबस जैक के द्वारा माइनस किया गया है, हटाया गया है कोरोना के कारण, तो इस चैप्टर से कई चीज़ों को माइनस किया गया है, हटा दिया गया है। तो जब आप मेरे वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहेंगे, हर वीडियो को वॉच करेंगे, तो आपको ज़रूर सब चीज़ की जानकारी होगी कि हमको कौन से चीज़ को छोड़ना है, कौन से चीज़ों को नहीं छोड़ना है। क्योंकि जो छोड़ना है उस पर भी ध्यान देना है, हम वैसी चीज़ को ना करके चले जाएं जो कि एग्जामिनेशन में नहीं आने वाला है। तो 40% सिलेबस जो कटा है तो उसमें बहुत सारा चीज़ नेशनल इनकम से माइनस किया गया है। इस चैप्टर से हमको लगता है सबसे ज़्यादा चीज़ माइनस किया गया है। तो आप लोग उस चीज़ को जानने के लिए मेरे वीडियो के साथ बने रहेंगे और जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो ये देखिए, पार्ट बी का यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है नेशनल इनकम। हालांकि मैंने एक चैप्टर पार्ट बी का ऑलरेडी आप लोग को वीडियो बना करके दे चुका हूं, उसमें 4-5 वीडियो होगा मनी एंड बैंकिंग से, जिसमें मुद्रा के कार्य और वस्तु विनिमय प्रणाली कठिनाइयां, केंद्रीय बैंक के कार्य, व्यावसायिक बैंक के कार्य, ये सब वीडियो है। तो ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो एक चैप्टर कम्प्लीट है। लेकिन ये पहला चैप्टर है, इसको मैं शुरू से लेकर के चल रहा हूँ और इसमें जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, आय के चक्रीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं? What do you mean by circular flow of income? आय के चक्रीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं? एक्चुअली देखिए, ऐसे समझिए, आय जो होता है ना वो प्रवाहित होते रहता है, वो रुकने का काम नहीं। ऐसे भी जानते हैं आय पैसा यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी चंचला होती है, ये आप लोग जानते हैं, ये रुकने वाला चीज नहीं है, ये फ्लो के समान चलता है। हमारी आय जब वो एक्सपेंडिचर के रूप में, खर्च के रूप में तब्दील होगा तो वही आय किसी, वही खर्च किसी की आय बन जाएगी। जब उनकी आय बन जाएगी तो वो भी किसी ना किसी चीज़ पर खर्च करेगा तो वो तीसरे की आय बन जाएगी। यानी एक आदमी का खर्च किसी और का क्या होता है, इनकम होता है। तो ये चलते रहता है, हम बिना खर्च किए रह नहीं सकते हैं, क्योंकि हमको कई चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसको पूरा करना ज़रूरी है और उसके लिए हमको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और वो पैसे खर्च करेंगे तो वो किसी का इनकम बनेगा। हमारा इनकम कैसे बनेगा? तो हमारी भी ज़रूरत किसी न किसी को होती है। आप जैसे स्टूडेंट हैं, आपको ज़रूरत होगी, आप इसके लिए फी पेमेंट करेंगे, पैसे देंगे, तो वो हमारी इनकम बन जाती है। तो एक का इनकम जब खर्च का रूप लेता है तो दूसरे का इनकम हो जाता है। तो ये फ्लो चलते रहता है। लेकिन ऐसे नहीं कि हम पैसे दे देते हैं किसी को और वो हमको पैसे दे देते हैं। हम भी किसी के लिए कुछ करते हैं तो वो हमको कुछ देता है, यानी पेमेंट करता है, और हम किसी से कुछ लेते हैं, किसी का कुछ मदद लेते हैं, कोई चीज़ लेते हैं, तो फिर उसके बदले हम पेमेंट करते हैं। इसको थोड़ा एक डायग्राम में समझिए, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर एक ले लीजिए आप उत्पादन, उत्पादन ठीक है, एक ले लीजिए आप आय, एक ले लीजिए आप व्यय। आप देखोगे क्या, ये उत्पादन, आय और व्यय, ये इकोनॉमी में होते रहता है। उत्पादन होना है ही, उससे लोगों को आय होगा ही, और आय होगा तो वो खर्च करेगा ही। लेकिन एक क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में आना चाहिए कि आखिर इसकी शुरुआत कहां से हुई। उत्पादन होगा, आय होगा, व्यय होगा, ये समझ, हम उत्पादन से बार बार बोल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं कि ये जो उत्पादन, आय और व्यय है, इसकी शुरुआत कहां से हो, क्या आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते। अगर बता दीजिएगा तो फिर ये जो शब्द आया है चक्रीय प्रवाह, ये आ ही नहीं सकता है, क्योंकि जो चक्रीय रूप में चलता है उसका कोई और छोर नहीं होता है, ना कोई इसका आदि होता है, आरंभिक बिंदु होता है, ना कोई उसका अंतिम बिंदु होता है। जैसे जल चक्र, क्या आप बता सकते हो कि ये जल चक्र की शुरुआत कहां से हुई? बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। ठीक उसी प्रकार इस आय के प्रवाह को भी आप नहीं बता पाओगे कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। आप कहोगे ये उत्पादन से शुरू हुआ, हाउ?
क्या बिना कुछ खर्च किए उत्पादन हो सकता है क्या? मैं भी आप लोग को पढ़ा रहा हूं, मैं भी कुछ क्रिएटिव चीज कर रहा हूं, उत्पादन कर रहा हूं, लेकिन इसके लिए मैंने भी खर्च किया, मैंने भी मोबाइल खरीदा, मैंने भी इसमें डेटा पैक डलवाया, मैंने भी ये मार्कर खरीदा, ये बोर्ड खरीदा, ये लाइटिंग का व्यवस्था किया, मैंने खर्च किया, तब मैं ये काम कर पा रहा हूँ, इस चीज़ का उत्पादन कर पा रहा हूँ जिसका आप इस्तेमाल करोगे। बिना खर्च के कहाँ उत्पादन होगा? तब आप कहोगे इसकी शुरुआत खर्च से हुआ होगा, व्यय से हुआ होगा, एक्सपेंडिचर से हुआ होगा। व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, तो क्या यहाँ से शुरू हुआ होगा? नहीं, मैंने भी इस पर जो खर्च किया, मैंने इस लाइटिंग पर जो खर्च किया, इस बोर्ड पर जो खर्च किया, मुझे तो कहीं से आय ही हुई होगी ना, मैंने कहीं कमाया हुआ होगा ना। तो जब तक आय नहीं होगी तो व्यय कैसे होगा? तो ये कहना गलत है कि व्यय से शुरू हुआ। तब आप कहोगे आय से शुरू हुआ होगा, तो क्या बिना काम किए किसी को कोई आय प्राप्त होती है क्या? आय अर्जित करने के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए क्या करना होता है? वी हैव टू डू वर्क, हम लोग को काम करना पड़ता है। काम करते हैं यानी कि किसी चीज का उत्पादन करते हैं, उत्पादन करते हैं तो आय होता है, आय होता है तो व्यय होता है, व्यय होता है तो उत्पादन होता है, उत्पादन होता है तो आय होता है। ताकि शुरू कहां से हुआ? कुछ इसका और छोर नहीं है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है आय के चक्रीय प्रवाह को। आय के प्रवाह को चक्रीय प्रवाह इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस प्रवाह का ना कोई आदि है और ना कोई अंत। आय के प्रवाह को चक्रीय प्रवाह इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस प्रवाह का ना कोई आदि है और ना कोई अंत। अगर इसका अंत या आदि पता चल जाता तो इसे चक्रीय प्रवाह नहीं कहते। तो इसमें कुछ नहीं है, ये कहां से शुरू हुआ कुछ पता नहीं है। हाँ, एक चीज हो सकता है, ये थोड़ा सा इसका जो फ्लो जो है, प्रवाह जो है, वो थोड़ा सा तेजी ले सकता है, वो तेज हो सकता है, स्लो हो सकता है। अभी जैसे कोरोना का काल चल रहा है तो इसमें क्या है कि कई चीजें बंद है, अभी भी रेलवे लगभग बंद है और भी बहुत सारी चीजें बंद है, आपको कोचिंग संस्थान, स्कूल, ये सब बंद है। तो इसमें क्या है, ये बंद होने के कारण हर चीज स्लो हो गया है, कम प्रोडक्शन हो रहा है, तो लोगों का इनकम भी कम हो रहा है, इनकम कम हो रहा है तो एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है, एक्सपेंडिचर कम हो रहा है तो फिर प्रोडक्शन कम हो रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है तो फिर इनकम कम हो रहा है, तो ये सब स्लो हो गया है। फिर धीरे धीरे जब सब चीज खुलेगा तो फिर ये स्लो क्या होगा, तेज हो जाएगा। तो ये स्लो हो सकता है, फास्ट हो सकता है, स्टॉप नहीं हो सकता है। स्टॉप तब होगा जिस दिन हमको किसी चीज की कोई जरूरत नहीं होगी। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? भोजन, वस्त्र, आवास, ये तो मूलभूत जरूरत है, इसके बिना हमारा कैसे जीवन यापन चलेगा? और इसके लिए हमको कुछ ना कुछ करना होगा, कुछ ना कुछ करेंगे तो इनकम होगा, इनकम होगा तो खर्च होगा, तो ये चलते रहेगा। तो उत्पादन, अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आय तथा व्यय यानी प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच जो निरंतर कंटिन्यूसली जो फ्लो होता है इनकम का, उसी को हम क्या कर रहे हैं, आय का चक्रीय प्रवाह कर रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश में द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मीन्स, द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मीन्स अनएंडिंग फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अनएंडिंग फ्लो यानी ऐसा फ्लो जिसका कोई एंडिंग नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। इट इज नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बिकॉज इट हैज नीदर एनी बिगनिंग नोर एनी एंड, ना तो कोई इसका बिगनिंग है, शुरुआती बिंदु है, ना तो कोई इसका अंतिम बिंदु है। इसलिए ये शायद आप लोग को अगर बोर्ड पर नहीं दिख रहा हो, बोर्ड पर लिखा हुआ, तो मैं फिर से बता दूं, इट इज नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बिकॉज इट हैज नाइदर एनी बिगनिंग नोर एनी एंड। मेरे आवाज पर ध्यान दे करके इसको आप नोट कर लोगे, क्लियर? तो ये उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन, ठीक है, ये इनकम, और ये क्या है, एक्सपेंडिचर। तो इन सब चीजों के बीच जो फ्लो चलता है इधर, लेकिन आपको थोड़ा सा एरो करके दिखाना होगा कि ये प्रोडक्शन हुआ तो प्रोडक्शन से इनकम होगा, इनकम से एक्सपेंडिचर होगा, एक्सपेंडिचर से फिर प्रोडक्शन होगा, फिर प्रोडक्शन से
आपका इनकम होगा, तो ये इस तरह से इसको एरो करके आप दिखाएंगे। यही क्या है? आय का चक्रीय प्रवाह, आय का चक्रीय प्रवाह। क्लियर, समझ गए? अब एक क्वेश्चन उठता है, कितना में हो गया? अगर आपसे पूछा जाए आय के चक्रीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं, तो इतना इनफ है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन आय तथा व्यय का निरंतर प्रवाह आय का चक्रीय प्रवाह कहलाता है। और आय के प्रवाह को चक्रीय प्रवाह इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस प्रवाह का ना कोई आदि है ना कोई अंत है। ये फिगर आप बना दोगे, एक इतना तक हो गया, तीन नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव के पर्पज से कुछ चीज़ें और इसके बारे में जानना है, और कभी कभी सब्जेक्टिव में भी यदि बड़ा क्वेश्चन हो चार नंबर का या छः नंबर का हो तो हो सकता है उसमें बढ़ाने की जरूरत हो जाए कुछ मटेरियल को, तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत होगी। तो इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा करने का कोशिश करता हूँ, आप उसको देखेंगे। मैं कोशिश क्या करूँगा कि ये जो आय का चक्रीय प्रवाह है आप देख रहे हैं, आय का चक्रीय प्रवाह, तो ये आय का चक्रीय प्रवाह दो प्रकार का होता है, उन दोनों प्रकार को जानेंगे। एक प्रकार होता है वास्तविक प्रवाह और दूसरा होता है मौद्रिक प्रवाह। तो हम जानेंगे आय के चक्रीय प्रवाह के प्रकार, इसको आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, इसको मिटा दें, बिल्कुल मिटा दें। आप लोग वीडियो अगर अच्छा लगे तो बार बार कहते हैं लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, कुछ इससे रिलेटेड सवाल हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, नए जो हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। ये जो पॉइंट बताना चाह रहे हैं, आय के प्रवाह के प्रकार, टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो इसमें आपका एक तो हो जाएगा वास्तविक प्रवाह, वास्तविक प्रवाह, इसको इंग्लिश में कहते हैं रियल फ्लो, और दूसरा मौद्रिक प्रवाह, इसको मनी फ्लो कहते हैं। एक मौद्रिक वास्तविक प्रवाह, दूसरा क्या है मौद्रिक प्रवाह, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। अभी हम जानेंगे इसके बारे में, वास्तविक प्रवाह के बारे में। मौद्रिक प्रवाह को अभी आप छोड़ दीजिए, पहले देख लेते हैं किसको, वास्तविक प्रवाह को। इसके बारे में आप जो लिखिएगा वो लिखिएगा कि अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के बीच होने वाले वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रवाह को वास्तविक प्रवाह कहते हैं। अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के बीच होने वाले वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रवाह को वास्तविक प्रवाह कहते हैं। इसका इंग्लिश लिखेंगे द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एमोंग वेरियस सेक्टर ऑफ
एन इकोनॉमी इज नोन एज रियल फ्लो, अर्थव्यवस्था में जो गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होगा किसमें, वेरियस सेक्टर्स, विभिन्न सेक्टर्स के बीच में, उसी को हम क्या कर रहे हैं, रियल फ्लो। द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग वेरियस सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी इज नोन एज रियल फ्लो। देखिए ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसके लिए एक डायग्राम को आप देखिए, तो हिंदी में भी क्लियर हो जाएगा, इंग्लिश में भी क्लियर हो जाएगा। देखिए दो सेक्टर होता है, एक होता है घरेलू क्षेत्र, यहां जो है ना वेरियस सेक्टर्स, यहां जो लिखा हुआ है हिंदी में विभिन्न क्षेत्र, उसी के बारे में कर रहे हैं। घरेलू क्षेत्र एक होता है, घरेलू क्षेत्र ध्यान रहे, एक हो गया आपका घरेलू क्षेत्र, और एक होता है फर्म क्षेत्र। दोनों में फर्क क्या है, यहां चीजों का इस्तेमाल होता है, यहां चीजें बनती हैं, और इन चीजों को बनाने के लिए इसकी जरूरत होती है, यानी आदमी वगैरह यहीं से जाता है, और फिर यहां जो चीजें बनती है तो फिर आदमी के पास यहां आता है, तो इधर से हेल्प होता है। देखिए इसमें क्या लिखेंगे, एक चेंज करेंगे इसमें, या एक जिक्र करेंगे इसमें, सेवाएं, सेवाएं में ले लेते हैं, एक भूमि छोटा छोटा लिख रहे हैं ताकि एडजस्ट कर जाए, भूमि, मजदूर, पूंजी और साहसी है, ध्यान देंगे। इंग्लिश में आप लोग काम चला लीजिएगा, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो ये चीजें निकलेगी कहां से, घरेलू क्षेत्र से, ये चीजें कहां से निकलेगी ध्यान दीजिएगा, घरेलू क्षेत्र से, और पहुंचेगी कहां, फर्म क्षेत्र में, ध्यान देंगे एरो को ध्यान दीजिएगा, ये कहां पहुंचा, फर्म क्षेत्र में, और फर्म क्षेत्र में क्या बनेगा ध्यान देंगे, यहां पर क्या बनेगा, वस्तु एवं सेवाएं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, यहां पर बना वस्तु एवं सेवाएं, ये बनके तैयार हुआ कहां पर, फर्म क्षेत्र में, और इस वस्तु एवं सेवा का इस्तेमाल कहां होगा, घरेलू क्षेत्र में, यानी कि फर्म क्षेत्र को हम लोगों के बीच से, घरेलू क्षेत्र से, डोमेस्टिक सेक्टर से क्या गया, भूमि गया, मजदूर गया, पूंजी गया, साहसी गया, कहां, फर्म क्षेत्र में, यानी फैक्ट्री में, फैक्ट्री में क्या बना, वस्तु और सेवा बन के तैयार हुआ। जियो जैसा सर्विस मिल रहा है तो सेवा है, लेकिन सैमसंग और आपको एप्पल जैसा मोबाइल मिल रहा है तो वस्तु है, तो ये वस्तु एवं सेवा बन के तैयार हुआ, यहाँ वो हमको आ गया घरेलू क्षेत्र में, हम इसका इस्तेमाल किए, फिर हम ही लोग जो है भूमि, मजदूर, पूंजी, साहसी के रूप में यहाँ अवेलेबल हैं, तो फिर यहाँ प्रोडक्शन हुआ। तो ये भूमि, मजदूर, पूंजी, साहसी का घरेलू क्षेत्र से फर्म क्षेत्र की ओर, और वस्तु एवं सेवाओं का फर्म क्षेत्र से घरेलू क्षेत्र की ओर जो प्रवाह होता है, इसको हम क्या कहते हैं, रियल फ्लो कहते हैं, वास्तविक प्रवाह कहते हैं, इसमें मुद्रा का कहीं कोई जिक्र नहीं है। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका क्या, वास्तविक प्रवाह। लेकिन अब बात करते हैं हम इसका, मौद्रिक प्रवाह का, इसको आप लोग नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लीजिएगा, देख ये जैसे देखना हो, इसको मिटाते हैं। अब हम डील करेंगे मौद्रिक प्रवाह को, दूसरे नंबर को, मौद्रिक प्रवाह। अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के बीच होने वाले मुद्रा के प्रवाह, वहां वस्तु का प्रवाह था, यहां क्या है, मुद्रा के प्रवाह को मौद्रिक प्रवाह कहते हैं। विभिन्न क्षेत्रों के बीच जो मुद्रा का प्रवाह होता है उसे क्या कहते हैं, मौद्रिक प्रवाह कहते हैं। इंग्लिश की बात जब करेंगे, द फ्लो ऑफ मनी, ठीक है, एमोंग वेरियस सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी इज नोन एज मनी फ्लो। क्या कहलाएगा, मनी फ्लो कहलाएगा। इसके लिए क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा,
ये तो आप देख रहे हैं क्या वास्तविक प्रवाह का, लेकिन हम आपको क्या दिखाना चाह रहे हैं अब मौद्रिक प्रवाह। मौद्रिक प्रवाह में क्या आएगा, अब थोड़ा सा इसको हम मिटा देंगे, लेकिन पहले हम लिखें ये जो सेवाएं हैं तो सेवाओं का आप भुगतान कर दीजिए। सेवा जो है इसमें क्या कीजिए, सेवाओं का भुगतान ऐड कीजिए। तो सेवाओं का भुगतान करेंगे यानी कि भूमि के बदले क्या देंगे, लगान। ये भुगतान हुआ कि भूमि हम इस्तेमाल किए उसका, उसके बदले हम जो भुगतान कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, उसको क्या कह रहे हैं, लगान। इंग्लिश में क्या कह रहे हैं, रेंट। अब मजदूर को क्या दे रहे हैं, मजदूरी, छोटा छोटा लिख रहे हैं। मजदूर को क्या दिए, मजदूरी बदले में। पूंजी को क्या दिए, ब्याज। और लास्ट में साहसी को क्या दिए, लाभ। भूमि को लगान, मजदूर को मजदूरी, पूंजी को ब्याज और साहसी को लाभ। लेकिन यहां पर क्या होगा, हमने घरेलू क्षेत्र से भूमि, मजदूर, पूंजी, साहसी इसको दिया फर्म क्षेत्र को, लेकिन फर्म क्षेत्र क्या करेगा, इस भूमि, मजदूर, पूंजी, साहसी के बदले जो भुगतान करेगा यानी लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ के रूप में, तो इसका मतलब है अब क्या होगा, यह चीज इधर आएगा। किधर आएगा, लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ किधर आएगा, घरेलू क्षेत्र की ओर। किधर से आएगा, फर्म क्षेत्र से। क्लियर। और वस्तु एवं सेवाओं पर आप व्यय कर देते हैं इसमें ऐड। अब ये क्या होगा, एरो बदलेगा, यहां पर लिख देते हैं अलग से, वस्तु एवं सेवाओं पर व्यय, यानी कि ये लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ, ये सब फर्म क्षेत्र से जब घरेलू क्षेत्र में आया तो एक तरह से ये यहां पर इनकम हुआ, उस इनकम का इस्तेमाल किस पर करेगा, वस्तु पर, यानी वस्तु एवं सेवाओं पर वो खर्च करेगा, तो वो वापस पैसा कहां पहुंच जाएगा, फर्म क्षेत्र के पास पहुंच जाएगा। यानी अब मनी फ्लो में क्या हो रहा है कि पैसा फर्म क्षेत्र दे रहा है लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ के रूप में घरेलू क्षेत्र को, और घरेलू क्षेत्र से पैसा जो आ रहा है फर्म क्षेत्र में वो कैसे आ रहा है, क्योंकि ये वस्तु और सेवा किसका है, फर्म क्षेत्र का है, तो ये इस्तेमाल करेगा यानी उस पर खर्च करेगा, तो वो पैसा स्वाभाविक है कहां जाएगा, फर्म क्षेत्र की ओर जाएगा। तो इस प्रकार से ये भूमि, मजदूर, पूंजी, साहसी जब हम दे रहे थे घरेलू क्षेत्र से फर्म क्षेत्र की ओर और वस्तुएं उसका ले रहे थे, तो ये वास्तविक प्रवाह था, लेकिन जब इसी का हम पेमेंट करना शुरू कर दिया यानी कि वो हमारे चीजों का पेमेंट किया, हमारे पास पैसा आया, हम उसके चीजों का पेमेंट किए तो उसके पास पैसा गया, तो ये पैसे आने जाने का जो प्रकरण स्टार्ट हुआ इसको हम कहते हैं मनी फ्लो। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए, हालांकि इसकी जिक्र आगे हम आगे करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा आय के चक्रीय प्रवाह के द्विक्षेत्रीय मॉडल, उससे आगे फिर आएगा आय के चक्रीय प्रवाह के तीन क्षेत्रीय मॉडल, फिर चार क्षेत्रीय मॉडल, तो दो क्षेत्रीय हम यही घरेलू क्षेत्र और फर्म क्षेत्र का जिक्र करेंगे और इसी फ्लो को दिखाएंगे। फिर एक तीसरा सेक्टर होता है वो सरकारी क्षेत्र होता है, फिर चौथा सेक्टर होता है विदेशी क्षेत्र होता है, तो उस पर भी बातें करेंगे। इसमें कई वीडियो आना है, आप लोग बने रहिएगा। वीडियो को अगर एंजॉय किए, अच्छा लगा तो एक बार लाइक कीजिएगा, और इसके साथ हमको अब आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।